हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड में बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर होता क्या है। ये लड़ाई जो थी, ये जो बैटल होता है, ये किसके बीच में होगा? ब्रिटिशेस और हैदर अली के बीच में। हैदर अली और जो ब्रिटिशेस थे, यहाँ पर एक वॉर होगी जिससे पहले, किससे पहले? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर से पहले। लेकिन जो आपने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की, उसके पहले कुछ रीजंस ऐसे क्रिएट होंगे जिसकी वजह से ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1780 से 1784 तक का, जब ये वॉर होती है। और ये अपनी आज हिस्ट्री की 9th क्लास है। आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से हिस्ट्री को कंटिन्यू करके रखे हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये कंप्लीट कोर्स है, ये UPSC EPFO के लिए टारगेटेड है। इसके अंदर हम अपना कंप्लीट कोर्स कराएंगे अपने चैनल के अंदर, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। 1769 के अंदर एक ट्रीटी साइन की जाती है। कब? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो ख़त्म हो जाता है कब? 1769 के अंदर। साथ ही साथ क्या होती है? एक ट्रीटी भी साइन की जाती है। ट्रीटी के अंदर क्या कहा जाता है कि जो भी आपने एरिया उसको कैप्चर कर रखा है हैदर अली प्लस ब्रिटिशर्स ने, वो जो आपने एरिया कैप्चर कर रखे हैं, हम क्या करेंगे? उन्हें रिटर्न कर देंगे, जिसके जिसके होंगे, या फिर जो आपके हमने कैप्चर किए हैं और जो हम आपने हमारे एरियाज़ को कैप्चर किया है, उन सबको क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे एक दूसरे को। प्लस साथ के साथ आप क्या करोगे? जो आर्कोट वाला रीज़न है, जो क्या है? आर्कोट वाला रीज़न है, आप उसे भी क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे वहाँ के नवाब को। थर्ड इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये भी कहा कि हम एक दूसरे को क्या करेंगे? म्यूचुअल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद 1770 के अंदर जो मराठा क्या थे? जो मैसूर वाला रीज़न था उससे अपवर्ड डायरेक्शन में कौन थे? मराठा थे। जस्ट बाउंड्रीज क्या हो रही थी? बिल्कुल टच कर रही थी किसकी? मराठा की, मैसूर के साथ में, ठीक है। तो जो मराठा थे वो बहुत सारी आर्मी को लेके क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। अटैक कहाँ करेंगे? मैसूर के अंदर। मैसूर के अंदर कौन था? हैदर अली पे के अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद जो हैदर अली है वो क्या करता है? ब्रिटिशर्स को याद करता है कि भाई आपने क्या किया था, मुझे प्रोमिस किया था, मुझे म्यूचुअल सपोर्ट करने के लिए आपने एक ट्रीटी साइन की थी। कौन सी ट्रीटी? ऑफ मद्रास। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर जाते हैं? हट जाते हैं भाई, वो आते ही नहीं है। अगर वो नहीं आते तो हैदर अली को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी तो आदत ही है, सारी चीज़ें कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे? मना कर देंगे। सिमिलर यहाँ भी ऐसे ही किया, हैदर अली को मना कर दिया कि हम नहीं आने वाले। तो हैदर अली का क्या हो जाता है उस टाइम पे? लॉस हो जाएगा। हैदर अली क्या हो जाता है? हार जाता है। किस से? मराठा से। हैदर अली हार जाता है मराठा से। और जो मराठा होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं मैसूर का लार्ज एरिया। मैसूर का जितना भी, मान के चलो अगर इतना बड़ा रीज़न था, उसको बहुत सारे एरिया वो क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। और साथ के साथ में क्या होएगा? 1779 के अंदर क्या किया जाता है? वो एक सेटलमेंट करता है। कौन? हैदर अली। किसके साथ? मराठास के साथ। हैदर अली जो था इस बैटल के बाद में एक सेटलमेंट करता है मराठा के साथ कि मैं आपको 36 लाख रुपीज़ दूंगा, आप मुझे मेरा एरिया वापस कर दो। साथ के साथ जो मराठा थे वो ये भी बोलते हैं कि आप 14 लाख पर ईयर्स भी हमें दोगे एज ए रेंट, तो हम आपको क्या कर देंगे? जो आपका एरिया है वो आपको वापस दे देंगे। तो हैदर अली क्या था? उसको मान जाता है, उस सेटलमेंट को क्या हो जाता है? हाँ कर देता है। और सेटलमेंट को हाँ कर देता है तो उसे क्या हो जाता है? उसका एरिया वापस मिल जाता है। किसे? हैदर अली को। हैदर अली को उसका जो एरिया था वो मिल चुका है। तो हैदर अली अब क्या करेगा? गुस्सा होगा। हैदर अली क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। और उसे गुस्सा आता है, देख रहे हो ना कैसे मुंह बना रहा है? हैदर अली है ये, और उसको क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है किस पे? ब्रिटिशर्स पे। क्यों आया गुस्सा? क्योंकि उन्होंने क्या करके ट्रीटी साइन कर रखी है और कहा था कि हम आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? ये सबसे खास रीज़न था हैदर अली का और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर होने का, जिसका नाम दिया जाता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। कब? 1780 से 1784 के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है? हैदर अली की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद क्या होना जाता है? टीपू सुल्तान के साथ किसकी लड़ाई होती है? ब्रिटिशर्स की। और जब ये लड़ाई ख़त्म होती है तो एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कब? 1784 के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। सब स्टार्ट करते हैं। अगर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने साथ नहीं दिया था किसका? हैदर अली का। अगर उन्होंने उसका साथ नहीं दिया हैदर अली का, तो हैदर अली का साथ कौन देगा? फ्रेंच।
फ्रेंच ने क्या किया, उन्हें सीक्रेटली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसे? हैदर अली को। अगर हैदर अली को वो सीक्रेटली सपोर्ट कर रहे हैं, कौन? फ्रेंच वाले। और साथ के साथ क्या कर रहे हैं, एक एडवांस मिलिट्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ ब्रिटिशर्स को ये भी पता था कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। वर्ल्ड के अंदर एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो चुकी थी इस टाइम पे। तो फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट की पार्टीज़ में खड़े थे। कहाँ पे? जो अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, ठीक है। तो वो अपनी एडवांस मिलिट्री के साथ में सपोर्ट करता है किसको? हैदर अली को सपोर्ट करता है। लेकिन वॉरन हेस्टिंग्स जो था वो ये बात जानता था कि अमेरिका की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें हम दोनों, फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स हैं, एक दूसरे के अपोजिशन में हैं। तो शायद हो सकता है जो फ्रेंच है वो यहाँ भी सपोर्ट कर रही हो किसको? हैदर अली को। उसको डाउट होता है किस पे? फ्रेंच वालों पे। जैसे उसे डाउट होता है तो क्या करता है, डाउट होने के बाद वो अटैक कर देता है कहाँ पे? माहे के अंदर। माहे कहाँ था? माहे फ्रेंच का एक सेटलमेंट था। और वो जो कौन? वॉरन हेस्टिंग। वॉरन हेस्टिंग जो है वो अटैक कर देता है माहे के ऊपर। और माहे के अंदर कौन था? टीपू था। टीपू सुल्तान को कौन कर रहे थे? ये सारे के सारे क्या कर रहे थे? उसे अपनी एडवांस टेक्निक्स को सिखा रहे थे। कौन? फ्रेंच वाले। जैसे वॉरन हेस्टिंग अटैक करता है माहे में, तो अपनी बहुत सारी आर्मी को लेके, तो टीपू सुल्तान क्या कर देता है? उस आर्मी को सारी को डिफीट कर देता है। क्या कर देता है? डिफीट कर देता है ब्रिटिश के वॉरन हेस्टिंग प्लस उसकी आर्मी को। कौन? टीपू सुल्तान। साथ के साथ में एक बड़ा रीज़न ये भी था कि जो निज़ाम थे, जो मराठा थे और जो हैदर अली था, ये तीनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, कंबाइंड फोर्स को बना लेते हैं। और कंबाइन होने के बाद ये क्या कर देते हैं? ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देते हैं। इतना हुआ। जो हैदराबाद, जो यहाँ पे हैदराबाद वाला रीज़न था, हैदराबाद में कौन था? अपना निज़ाम था। निज़ाम भी साथ हो गया, मराठा भी साथ हो गए और हैदर अली तो था ही। ये सारे के सारे क्या करते हैं? मिल जाते हैं और ब्रिटिशर्स पे अटैक कर देते हैं। और दोबारा फिर से क्या कर लेते हैं? आरकोट वाले रीज़न को क्या कर देते हैं? अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? उसे कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद जो टीपू सुल्तान ने उसकी फोर्स जो थी उसको तो हरा दिया, लेकिन जो वॉरन हेस्टिंग था, जो यहाँ पे वॉरन हेस्टिंग था एक ब्रिटिशर्स का गवर्नर, वो क्या हो जाता है? बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। उसको तो गुस्सा आएगा कि भाई हाँ, मेरी आर्मी को इसने क्या किया? डिफीट कर दिया। डिफीट करने के बाद वो क्या होता है? वो कुछ ना कुछ ऐसे सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता है, वो क्या करेगा? वो अपनी आर्मी को, वो अपनी फोर्स को कहाँ भेजेगा? बंगाल वाले रीजन के अंदर। जब उसकी फोर्स बंगाल वाले रीजन के अंदर जाती है तो वहाँ किसे डिफीट करती है? हैदर अली को। जब उसकी फोर्स बंगाल वाले रीजन में जाती है तो वहाँ पे हैदर अली डिफीट हो जाता है। हैदर अली जब डिफीट हो जाता है, कब? 1781 के अंदर। 1781 के अंदर जो मराठा से जो, अब देखो यहाँ पे ये जो अपना हैदर अली, ये डिफीट क्यों हुआ? इसके क्या रीज़न थे? जो निज़ाम थे, जो मराठा थे और जो हैदर अली थे, ब्रिटिशर्स देख रहे थे भाई अच्छा तुम तीनों साथ हो, ये बात है तुम्हारी। फिर इन्होंने देखा कि इनके बीच में क्या आ गई? यूनिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रिटिशर्स का वॉरन हेस्टिंग था उसने क्या की, इनकी जो यूनिटी थी उसको तोड़ा, उसे क्या किया? सेपरेट आउट किया, निज़ाम को अलग किया, मराठास को अलग किया और हैदर अली को अलग, तीनों को अलग कर दिया। अब उसके बाद इसने अटैक कर दिया किस पे? हैदर अली पे। हैदर अली पे जैसे ही अटैक किया जाता है, मतलब बंगाल वाले रीजन के अंदर, तो हैदर अली डिफीट हो जाता है। हैदर अली डिफीट हो जाता है और 1781 में पोर्टोनोवो में इसको डिफीट कर दिया जाता है। कब? 1781 के अंदर इसको हरा दिया जाता है। किसे? हैदर अली को। तो 1782 के अंदर क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाती है किसकी? हैदर अली की। हैदर अली की डेथ हो जाती है कब? 1782 के अंदर। और उससे पहले वो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का जो युद्ध था वो क्या हो जाता है? डिफीट हो जाता है, हार जाता है ब्रिटिश से। तो 1782 के अंदर हैदर अली की डेथ हो चुकी है और टीपू सुल्तान क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। टीपू सुल्तान ने क्या किया? कंटिन्यू किया इस वॉर को। और उसके बाद जो वॉर चलती रही लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया लेकिन रिजल्ट क्या था? कुछ नहीं आया रिजल्ट। कुछ नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो ट्रीटी होगी। सेम ट्रीटी हुई। ट्रीटी कौन सी हुई? मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है। इस ट्रीटी के अंदर सेम वही पॉइंट कि आप रिटर्न करोगे जितनी भी टेरिटरीज को आपने यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, ठीक है। जब आपने ट्रीटीज को साइन किया और जो आपने एरियाज को, जितने भी उनके टेरिटरीज को कैप्चर किया था, आपने रिटर्न करने के लिए बोल दिया, देन उसके बाद होगा क्या?
उसके बाद इसके जो मेन रिजल्ट्स थे वो क्या आते हैं वो हम देख लेते हैं। मेन रिजल्ट ये आता है इनके ट्रीटीज़ के बाद में कि जब इनकी ट्रीटीज़ होने के बाद रिजल्ट था कि जो ब्रिटिशेस थे उनका जो कंट्रोल था साउथ वाले रीजन के अंदर वो ऑलमोस्ट हो चुका था। सारे साउथ में, साउथ के अंदर ब्रिटिशेस का कंट्रोल हो चुका है। देन ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो मैसूर वाला रीजन था वो उसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ब्रिटिशेस को कहा गया कि आप मैसूर वाले रीजन के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करोगे, हमारे बीच में नहीं आओगे। देन उस टाइम के बाद, उस ट्रीटी के ही टाइम कुछ ऐसा हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हो गया। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कंट्रोल जो था ब्रिटिशेस का ईस्ट इंडिया कंपनी का वो पॉलिटिकली होना स्टार्ट हो चुका था। और कब? ये 1784 में। आपने देखा होगा जो बंगाल का रीजन था वहाँ पे इन्होंने अपना गवर्नर बना दिया था। कौन था गवर्नर? कौन था अपना? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया था। देन पिट्स इंडिया एक्ट भी पास हो गया था उस टाइम पे, जिसमें ब्रिटिशेस की गवर्नमेंट जो थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल मिल गया था। कंट्रोल क्यों मिला? क्योंकि पॉलिटिकली क्या हो गए थे, वो घुसने लग गए थे। तो 1784 के अंदर आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो पास हो गया था पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने की वजह से। किसका? ब्रिटिशेस का। सो फ्रेंड्स, ये थी अपनी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि अपनी 1780 से चल के 1784 तक चलती है। नेक्स्ट अपनी आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1790 से चलती है और 92 तक कंटिन्यू होती है। वहाँ पे कौन सी ट्रीटी होगी और देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही अपनी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कशन करेंगे। तब तक फ्रेंड, अगर आपको डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर भी बताइएगा। और साथ के साथ आपको एक क्वेश्चन ये भी है कि जो माहे वाला रीजन था वो किसने कैप्चर कर रखा था या किसका सेटलमेंट वहाँ पे था? आज की वीडियो का ये क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर को जरूर बताइएगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।